इस बॉक्सिंग मैच में दो ही बॉक्सर्स फाइट कर रही हैं, विच मीन्स कि सिर्फ दो ही अलग अलग देशों की हो सकती हैं। फिर ये ऑडियंस स्विट्जरलैंड, जापान, थाईलैंड, अमेरिका, जर्मनी के फ्लैग्स लेके क्यों आए हैं? ये इस रेफरी को किक मार देती है एंड दैट शुड गेट अ डिस्क्वालीफाइड, बट फाइट फिर भी चलती रहती है। अगर रूल्स फॉलो ही नहीं करने थे तो फिर रेफरी को बुलाया ही क्यों? गनी भाई इसको इतने लोगों के बीच में मार देता है, बट ये आसपास खड़े लोग इसकी बॉडी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को क्या चाहिए? स्ट्रिक्ट मूछे बबुआ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसी एटीट्यूड की वजह से भाई ने ये सब फ्लॉप फिल्म्स कर डाली। प्राइवेट वीडियो चेक करने के लिए हम उन्हें स्टोर में लगे हुए डिस्प्ले टीवी में लगा के चेक करते हैं। चल इसमें लगा निशाना। तालपड़े पुलिस स्टेशन के अंदर राइफल चलाने की परमिशन दे देता है। Holy shit. अबे बोलने देगा तो बोलेगा साले, एक दो सेकंड तो कंट्रोल भी कर ले। Well, fuck gravity. Nice name. ये गुंडा राधे के पीछे से आया तो जानवी ने उसे देख के राधे को वार्न क्यों नहीं किया? बहुत खून बह रहा है, क्योंकि इट डज नॉट लुक लाइक कि बहुत खून बह रहा है। पहले ट्रीटमेंट फिर रूल। या बट ये प्रॉब्लम का सलूशन थोड़े ही हुआ। अगर कोई सीधा ही बिना फॉर्म भरे डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाएगा तो डॉक्टर ये कैसे डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट किसका पहले करेगा या बाद में? वैसे तुम करते क्या हो? जानवी अब ये क्वेश्चंस पूछ रही है। हॉस्पिटल में आते टाइम क्या पूरे रास्ते मौन व्रत ले रखा था? इतनी टैक्सियां एकदम से, वो भी मुंबई में, फक ऑफ। ये क्या है? The amount of double meaning jokes in this movie is too damn high. This scene comes without an epilepsy warning. चरस गांजा का धंधा करता तू? अब तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। किस लिए? इसके लिए। मैजिक ट्रिक्स राधे का एक अंडररेटेड स्किल है। क्या हो रहा है? ए आवाज दे, चुप चुप। हाँ, मैं भी आगे से हर किसी को ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मूवी लोग जस्ट किसी के सिर्फ इतना कहने कि चुप हो जा, चुप हो जाते हैं, राइट? हेलो। वेल, वाचिंग दिस मूवी शोर डिड ब्लू अवे राधेस माइंड। हे, आई लाइक यू, लेट्स गो ऑन अ डेट। वेयर डू वांट टू गो? एक सुनसान खंडर टाइप बिल्डिंग विल बी ग्रेट, थैंक यू, एंड लेट्स स्टैंड 10 मीटर्स अपार्ट व्हाइल वी टॉक, ओके? वेल, इसी टाइप की सिचुएशंस के लिए सुनसान खंडर इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर द फर्स्ट डेट। Third date, oh, that's a different story. ये आदमी बिना कोई गोली लगे गिरने की एक्टिंग करता है। खूनी हूँ मैं। क्या भी कहोगी कि मुझसे प्यार करती हो? Well, हर लड़की का सपना एक खूंखार सा खूनी बॉयफ्रेंड हो अपना। अरे? आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। आना गुड। What the fuck? How do we go from a breaking up scene to a romantic song? Connect! Connect! Konta! राधे इतनी जल्दी फोन बूथ पर पहुंच के फोन कैसे मिला सकता है? एक सेकंड पहले वो तालपड़े की पिटाई कर रहा था एंड नाउ वो रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंच गया। ये तो फ्लैश का भी बाप निकला। मैं नहीं सोऊंगा। अरे मैं नहीं सोऊंगा। अगर मर भी गया ना तब भी ये खिड़की खुली रहेगी। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे गनी भाई से डरना चाहिए या जैसी ये हरकतें कर रहा है इस पर हंसना चाहिए। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम स्किप। इस सीन में वोडाफोन एंड एयरटेल का बैनर बैकग्राउंड में है, बट नेक्स्ट सीन में बाबा टी हाउस का बैनर आ जाता है। व्हाट द एंड व्हाट द फक आर दीस पीपल लुकिंग एट? कोई काम धंधा नहीं है क्या बे? वेल यप, वन थिंग वी ऑल डू फॉर श्योर इज वॉच पोर्न इन पब्लिक with friends. He is undercover 24 hours 365 days. अब बिना मतलब इसके हाथ पे चाकू मारने की क्या जरूरत थी? ये कौन सा गुंडों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था? राधे इज मोर बैटमैन देन सैलमैन। राधे के पीछे जो गुंडे थे वो एकदम से गायब हो गए बिकॉज़ स्क्रिप्ट।
हाँ देखिए मिश्रा जी, ऐसा है कि नेक्स्ट सीन में सलमान बाबू छत पर दौड़ेंगे और फिर एक पोल पर लटक जाएंगे। इस अद्भुत करतब को देखने से जो गुंडे इनके पीछे पीछे छत पर दौड़ रहे थे वो भाव भंगीन होकर सलमान बाबू का पीछा छोड़ देंगे। सी ब्रिलियंट। इस सीन में सलमान खान जंप मारते टाइम सामने देख रहा है, बट नेक्स्ट कट में सलमान मिड एयर में वापस मुड़ जाता है। नोइस। वेल दिस सीम्स लाइक अ गुड टाइम फॉर ऑल गुंडेज टू नॉट हैव अ गन। पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। पब्लिक यूरिनेशन।